ये ही चाहते कि आज रात के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि अरमान भागता हुआ कॉलेज में आता है और वहाँ पर पीहू भी आ जाती है। अरमान प्रशा को गोद में उठाता है और ले ही जा रहा होता है, तभी पीहू से कहता है कि इसे क्या हुआ, आखिर ये बेहोश कैसे हो गई। पीहू कहती है कि पता नहीं, ये बोल रही थी कि इन्हें फ्लावर्स से एलर्जी है, मैंने कहा था कि हम यहाँ से सारे फ्लावर्स हटा देते हैं या फिर उठकर चलते हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं मैं ठीक हूँ, मैं बस मेडिसिन ले लूँगी तो सब ठीक हो जाएगा। और उसके लिए वो वॉशरूम गई थी और वॉशरूम में ये बेहोश हो गई, मुझे सच में कोई आइडिया नहीं था। तभी अरमान कहता है कि अरे छोड़ो, अभी मेरे पास टाइम नहीं है ये सब कुछ डिस्कस करने का, मुझे प्रशा को जल्द से जल्द होटल लेकर जाना है और इसे दवाई देनी है। एक काम करो, तुम जाकर के अपना जो फर्स्ट डे है वो कंटिन्यू करो, क्योंकि आज कॉलेज में तुम्हारा पहला दिन है, ऐसे अच्छा नहीं लगता। मैं प्रशा को ले जाऊँगा, शी विल बी फाइन। चाचा जी कहते हैं कि हाँ अरमान बिल्कुल सही कह रहा है, हम प्रशा को ले जाते हैं, तुम चिंता मत करो, तुम आराम से कॉलेज के मज़े लो। यहाँ पर पीहू कॉलेज देखते देखते पूरे कैंपस में घूम रही होती है और इधर राज और विद्युत रुद्राक्ष से बात कर रहे होते हैं। विद्युत यहाँ पर कहता है थैंक यू सो मच सर, आप यहाँ पर आए हमारे कहने पर। रुद्राक्ष कहता है कि कम ऑन चैम, बार बार मुझे सर सर मत कहो, और वैसे भी मुझे यहाँ आना तो था ही, इसीलिए तुम्हें इतना ओवर ब्लेजर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो अब मैं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे एक रिकॉर्डिंग में जाना है, लेकिन तुम राज का ध्यान रखना, कोई भी दिक्कत मत करना, जैसे ही कुछ लगे मुझे कॉल करना। ये सुनकर के विद्युत और राज बहुत ही अच्छे से बिहेव करते हैं और कहते हैं कि ठीक है आप जाइए, और रुद्राक्ष यहाँ पर जल्दबाजी में चला जाता है क्योंकि उसे रिकॉर्डिंग करनी होती है। इधर दिखाया जाएगा कि राज और विद्युत दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर विद्युत पढ़ाई करते करते कॉलेज चल रहा होता है और राज इधर उधर देख रहा होता है, और इधर पीहू भी कॉलेज देखते हुए आ रही होती है और गलती से पीहू और विद्युत की टक्कर हो जाती है। जैसे ही ये दोनों गिरते हैं, विद्युत यहाँ पीहू को बचाने के लिए उसकी कमर में हाथ डाल लेता है और फिर थोड़े टाइम के लिए एक गाना बजता है बैकग्राउंड में। जैसे ही यहाँ पर वो गाना ख़त्म होता है, पीहू कहती है कि अच्छे बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं तुम्हारे जैसे लड़कों को, चश्मा लगा करके स्टूडियस और भोले भाले बनने से, ऐसी एक्टिंग करने से कोई ऐसा हो नहीं जाता, तुम लोग कितनी शैतानी करते हो लड़कियों के साथ, ऐसे ही मुझे अच्छे से पता है। विद्युत कहता है अजीब हो, एक तो मैंने तुम्हारी मदद की, तुम्हें बचाया, तुम्हें थैंक यू कहने के बजाय मुझसे उल्टा सीधा बोल रही हो। तभी पीहू कहती है कि तुमने मुझे बताया अच्छा कमर में हाथ डाल के बहुत अच्छे से, वैसे भी तुमने जहाँ सुंदर लड़की देखी नहीं वहीं पर तुम लोग ऐसी हरकतें करना शुरू कर देते हो। ऐसे ही कई सारी नोकझोंक आपको नज़र आए कि विद्युत और पीहू के बीच में, तभी बहुत ज़्यादा हो जाने के बाद पीछे से राज आता है और कहता है कि सुनो, मैं हूँ राज खुराना और मैं इस कॉलेज का सीनियर हूँ, तुम्हारा भी सीनियर हूँ, सीनियर के सामने तुम्हें झुक करके चलना होगा, और आवाज़ और आंखें नीची। पीहू यहाँ उसकी बात पर रिएक्ट नहीं करती। फिर राज कहता है कि तुम्हें मेरे सामने झुकना होगा, चलो नीचे मेरे शू लेस बांधो। बहुत ज़्यादा नोक झोंक के बाद में पीहू नीचे बैठती है, जिसे देख कर के राज सबको कहता है कि देख रहे हो सब, आखिरकार मैंने इसे अपने कब्जों में झुका ही लिया, इसकी सही जगह यही है। और पीहू राज के शूलेस बांधने की बजाय आपस में उनको बांध देती है, जिसकी वजह से चलते ही राज गिर जाता है। और फिर पीहू कहती है कि मेरा नाम पीहू ठाकुर है, मुझसे पंगा लेने से पहले 100 बार सोचना, मैं किसी के नीचे झुकती नहीं हूँ बल्कि उसे अपने कदमों में झुका लेती हूँ। तो अब कैसा लग रहा है तुम्हें मेरे कदमों में झुक कर के? हिसाब अब बराबर हुआ, अब हम दोनों सेम लेवल पर आ गए हैं। और ये सुनकर के विद्युत और राज को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और पीहू ये चैलेंज देकर के वहाँ से चली जाती है। इधर दिखाया जाएगा कि घर का सीन दिखाया जाएगा, जहाँ पर प्रशा को होश आता है और चाची और अरमान दोनों उनसे पूछते हैं कि आखिर तुम्हें हुआ क्या था, तुम बेहोश कैसे हो गई। तभी प्रशा कहती है कि दरअसल वहाँ पर शायद फूल थे जिसकी वजह से मुझे एलर्जी हुई। तभी अरमान कहता है कि नहीं प्रशा, तुम्हें फूलों से ऐसा नहीं होता, ये तुम्हें तब होता है जब तुम्हें झटका लगता है या कोई शौक लगता है, और तुम्हें इतनी आसानी से कोई शौक लगने नहीं वाला, आखिर वहाँ हुआ क्या था ऐसा। तभी प्रशा कहती है कि ज़्यादा कुछ तो याद नहीं, लेकिन वहाँ पर मुझे कोई बचाने के लिए आया था जो मेरी हेल्प करना चाहता था, और उसने अपना नाम रुद्राक्ष बताया, शायद मैं उसी चक्कर में बेहोश हो गई। बातों को रफा दफा करने के लिए अरमान बात चेंज करता है और कहता है कि चलो अब तुम यहाँ एक पल भी नहीं रहोगी, मैं तुम्हें वापस दिल्ली ले चलूँगा।
यहाँ पर प्रिशा कहती है कि अरे ऐसे कैसे, अभी तो पीहू की शॉपिंग बची है, अभी बहुत सारा काम करना है, मैं तुम्हारे साथ वापस अभी नहीं जा सकती। अरमान यहाँ प्रिशा को गुस्सा दिखाता है, लेकिन प्रिशा यहाँ पर अरमान के फेशियल एक्सप्रेशन को इग्नोर करते हुए कहती है कि ये जो तुम्हारे गुस्से वाले लुक्स हैं, मैं इसे नहीं मानने वाली, मैं हर हाल में यहीं रहूंगी और पीहू को जो प्रॉमिस किया है वो कंप्लीट करूंगी। और ये सुनकर के अरमान हेल्पलेस फील करता है खुद को। इधर दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि रुद्राक्ष रिकॉर्डिंग स्टूडियो में होता है और अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर रहा होता है, तभी वहाँ पर रूही का कॉल आता है जो कि वंशिका ने करवाया होता है। वंशिका जो कि रुद्राक्ष को पसंद करती है लेकिन उसे बॉस बोलती है। वंशिका रूही से पूछती है कि क्या रुद्राक्ष ने खाना खा लिया, तभी रूही कहती है कि नहीं, उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। और इसी बात के लिए रूही कॉल करती है। रुद्राक्ष से कहती है वंशिका कि मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए, एक शूट है, आपको अभी शूट करना पड़ेगा अर्जेंट बेसिस पर, ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ जगह पर आना है, खाना खाना है और कुछ लाइन्स बोलनी है। वंशिका और रूही के इंसिस्ट करने पर रुद्राक्ष शूट के लिए मान जाता है। और जैसे ही यहाँ पर रुद्राक्ष खाना खाना शुरू करता है, वो कहता है कि वाह क्या खाना है, ये खाना तो माँ के हाथ का लग रहा है, बिल्कुल वही घर जैसा टेस्ट। तभी वंशिका कहती है एग्जैक्टली यही लाइंस चाहिए हमें इस शूट के लिए। रुद्राक्ष खाता जाता है और वंशिका से फिर कहता है कि तुम लोग मुझे क्या बेवकूफ़ समझते हो, ये मेरी माँ के हाथ का ही खाना है, क्या मैं पहचानता नहीं हूँ। तभी रूही आ जाती है और कहती है कि हाँ तो आप जब खाना खा ही नहीं रहे थे, बात नहीं मान रहे थे, तो और क्या करते, झूठी बोलना पड़ता ना। तभी यहाँ पर रूही कहती है अब आपको ये सारा खाना फिनिश करना होगा। रुद्राक्ष कहता है इतना सारा खाना मैं नहीं खा पाऊँगा, तुम लोगों को भी मेरी मदद करनी होगी। और वो तीनों को बैठा लेता है, रूही को, सारांश को, वंशिका को, और एक एक करके सब खाना खाते हैं और इन्जॉय करते हैं। इधर दिखाया जाएगा कि प्रिशा के पास पीहू आती है और उसे कॉलेज में हुई सारी बातें बताती है और बहुत मज़े लेती है, जिसके बाद में माहौल बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तभी प्रिशा कहती है कि मुझे आइसक्रीम खाना है। सारांश की याद यहाँ पर आ रही होती है रूही को, रूही कहती है कि मुझे भी आइसक्रीम खाने का आज बहुत मन कर रहा है, रुद्र चलो ना भैया को लेते हुए आइसक्रीम खाते हैं। इधर प्रिशा को देखते हुए अरमान कहता है कि अब मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ, अगर मेरी प्रिशा का आइसक्रीम खाने का मन है तो हम ज़रूर जाएंगे। और ये तीनों मिलकर आइसक्रीम खाने के लिए निकल जाते हैं। और यहाँ पर रुद्राक्ष के साथ रूही, सारांश और वंशिका भी आइसक्रीम खाने के लिए निकल जाते हैं। दोनों की गाड़ी एक ही सेम रेस्टोरेंट पर रुकती है और दोनों एक ही टाइम पर कार से निकलते हैं। और यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जो कि पूरे सस्पेंस के साथ होगा। अब देखना होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग कि क्या यहाँ पर आइसक्रीम पार्लर में सारांश, रूही, प्रिशा को देख पाएंगे, क्या रुद्राक्ष और प्रिशा की मुलाकात यहाँ पर हो पाएगी, या एक बार फिर से इन दोनों की मुलाकात अधूरी रहेगी। ऐसे ही मजेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।